प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को झारखंड की राजधानी रांची में स्वास्थ्य सुरक्षा देने वाली महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का लाभ देश के कुल 10.74 करोड़ परिवारों को मिलेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करना है। इससे 10.74 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। इन परिवारों के लोग द्वितीय और तृतीय श्रेणी के तहत पैनल के अस्पतालों में जरूरत के हिसाब से भर्ती हो सकते हैं। हालांकि इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान कर दिया गया है। यह योजना लाभार्थियों को नकद रहित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएगी। इससे अस्पताल में भर्ती होने पर आने वाले खर्च में कमी आएगी, जो लोगों को और निर्धन बना देता है। इससे भयंकर स्वास्थ्य समस्याओं के दौरान उत्पन्न वित्तीय जोखिम कम होगा। पात्र लोग सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के दायरे में गरीब, वंचित ग्रामीण परिवार और शहरी श्रमिकों के पेशेवर श्रेणियां आएंगी। सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना के हिसाब से गांव में ऐसे 8.3 करोड़ और शहर में 2.33 करोड़ परिवार है। यदि यह परिवारों के सदस्य की संख्या औसतन 5 मानी जाए तो इस हिसाब से योजना का लाभ करीब 50 करोड़ लोगों को मिलेगा। इस योजना के लिए SECC के डाटाबेस में वंचना के आधार पर पात्रता तय की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में वंचना की श्रेणियों के आधार पर लाभार्थियों की पहचान की गई है। शहरी क्षेत्रों में 11 पेशेवर मापदंड पात्रता तय करेंगे। इसके अलावा जिन राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है उनके लाभार्थी भी इस नई योजना के अंतर्गत आएंगे। इस योजना के मुख्य सूत्रधार नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने कहा, प्रधानमंत्री 23 सितंबर को इस योजना का शुभारंभ करेंगे, लेकिन यह प्रभावी तौर पर 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से लागू होगा।